जबलपुर में वकील और पुलिस के बीच जमकर हुआ विवाद। जबलपुर में मंगलवार की दोपहर को जिला कोर्ट के सामने उस वक्त हंगामा हो गया जब वकीलों और एक पुलिस सब इंस्पेक्टर के बीच में जमकर विवाद होने लगा। बता दें, विवाद बढ़ता देख कर वकीलों ने सड़क पर जाम लगा दिया, जिससे कलेक्ट्रेट कार्यालय मार्ग पर आवाजाही थम गई। वकीलों के द्वारा जाम लगाए जाने की सूचना मिलने के तुरंत बाद एएसपी अमित कुमार और भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। इस दौरान वकीलों ने बताया कि सब इंस्पेक्टर सतीश रजक ने अभद्रता पूर्वक वकील से बात की और उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करने की धमकी दी है। इस पर एडिशनल एसपी अमित कुमार और जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुधीर नायक ने वकीलों को समझाइश दी। पुलिस अधिकारियों के समझाने के बाद सब इंस्पेक्टर ने वकीलों में माफी मांगी, जिसके बाद मामला शांत हो गया और वकीलों ने अपना जाम समाप्त कर दिया, जिससे यातायात सामान्य रूप से प्रारंभ हो गया। अधिकारियों और जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने समन्वय की वजह से मामला पूरी तरह से शांत हो गया। दरअसल ओमती में एक लेन देन के प्रकरण को लेकर के सीएम हेल्पलाइन लगा था, उसी के परिपेक्ष में आवेदक की शिकायत पर एक वकील को जो है उनके जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको वापस करने हेतु जो है बताया गया था। पुनः जो है उसी सीएम हेल्पलाइन के परिपालन में जो है दोनों अनावेदक पार्टी और आवेदक पार्टी के कंसर्न्ड चीजों को लेकर के उन्हें बुलाया गया था, समझाइश दी गई एवं उसी के तारतम्य में डिस्कशन हुआ। सर, ये अधिवक्ताओं ने चक्का जाम कर दिया है और गाड़ियों को आने जाने में रोक दिया है। वैसी कोई चक्का जाम नहीं हुई है और ना कोई वैसी सूचना है। अभी कुछ अधिवक्ता जरूर आए थे, लेकिन वो सीएम हेल्पलाइन की जो शिकायत है उसी के परिपेक्ष में आए थे और उन सभी को समझा कर जो है जो भी विधि सम्मत कार्रवाई आगे की है उस संबंध में समझाइश दी गई है। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।